हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसल एंड फिटनेस इंडिया। गाइस, आज मेरे को कमेंट आ रहे थे बहुत सारे और मैं कमेंट पढ़ रहा था, और मेरी एक वीडियो आई थी क्लैन एंड टी3 के ऊपर, जिसका आप बैनर देख रहे होंगे मेरी वीडियो में, उसी में बहुत सारे एक इंटरेस्टिंग से कमेंट्स मेरे पास आए, और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें जितने भी कमेंट्स के मैंने रिप्लाई रिस्पॉन्ड किया है उनको एक वीडियो में दिखाऊँ, जिससे कि आगे भी कोई भी क्वेश्चन करे या कोई भी कमेंट करे तो उसको एक जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए और वो उस वीडियो से देखकर अपना बेनिफिट ले सके। एक सबसे मोस्ट कॉमन मेरे पास कमेंट सबसे ज़्यादा आता है वो ये कि भाई मेरा फैट परसेंटेज 24 है, मेरा फैट परसेंटेज 28 है, मैं इतने केजीज का हूँ, मैं 100 प्लस केजीज का हूँ, कोई कहता है मेरा 22% है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी सीधी सी भाषा में बता देता हूँ कि अगर आपका फैट परसेंटेज 20 से ऊपर है या 15 से भी ऊपर है तो क्लैन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लैन का जो यूज़ है वो बिलो 15% या 12% से नीचे जब आप ले आए अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज को, तब उसका यूज़ करना शुरू करें, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। उससे पहले अगर आप लेना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने जितने भी ज़्यादा रिकमेंड किया है, किसी को भी बताया है या देखा है अपनी लाइफ में या बॉडी बिल्डिंग में, लेना वेस्टेज अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज है, तो उसके लिए आप रिप्लेसमेंट में अगर लेना चाहते हैं तो नेचुरल वे में आप वर्कआउट करके या डाइट से, अच्छी सी डाइट से लेके, फाइबर रिच या प्रोटीन रिच डाइट लेके, ज़्यादा सॉल्ट इनटेक ना करके, फ्राइड जंक फूड या बाहर का उल्टा सीधा खाना छोड़ के आप नेचुरल वे में कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आप अपना स्टबर्न फैट को निकालना चाहते हैं जो आप इजीली डाइट से नहीं ले पा रहे, बट आप वर्कआउट करके निकालना चाहते हैं और साथ में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं अच्छी डाइट की, तो आप फैट बर्नर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने फैट परसेंटेज को नीचे ला सकते हैं। तो जब मैंने बात करी है बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में, इतने कमेंट्स आते हैं, तो उसी से रिलेटेड मुझे एक कमेंट ये भी आया कि बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप मार्केट से कैलिपर खरीद सकते हैं जो आपके स्किन को फोल्ड करके वो चेक हो जाता है कि कितनी बॉडी फैट परसेंटेज है, या एक बॉडी वेट स्केल आता है, जो वेइंग स्केल आता है, उस पर भी आप देख सकते हैं, एक आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी बॉडी का फैट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके भी एक परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जिसके थ्रू पता लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरह आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है। थर्ड जो मुझे कमेंट आता है वो ये आता है कि हम स्टैकिंग में इसमें बिमस्ट्रॉल चला सकते हैं, क्लैन के साथ T3 चला सकते हैं, या कितने टाइम तक चला सकते हैं, इसकी साइकिल क्या होनी चाहिए, आपने साइकिल नहीं बताई। आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, और बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कुछ मिसिंग रहा होगा वीडियो में, जिस वजह से आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन शायद मैं नहीं दे पाया अभी तक। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्लैन की जो एक साइकिल होती है वो आप 30 से 40 डेज तक की ही चलाएं, उसके बाद उसमें गैप लें कम से कम 2 या 3 महीने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक साइकिल क्लैन की चला रहे हैं तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी कम होगा, और मैं चाहूँगा कि आगे आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना ही पड़े और आप अपने आप को नेचुरली मेंटेन करें। एक बार अपने आप को कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद आपने अपने आप अचीव कर लिया जो भी गोल था, उसके बाद मैं यही चाहूँगा कि आप वर्कआउट करके ही और अच्छी डाइट को फॉलो करते हुए ही अपने आप को मेंटेन रखें। तो स्टैकिंग की मैं जो बात कर रहा था, तो 4 या 5 वीक्स की आप इसमें साइकिल चला सकते हैं, 30 डेज़ या फिर 37 to 40 डेज़ जो भी हम काउंट करते हैं, बीच में जितने भी डेज का होता है वो काउंट कर सकते हैं। स्टैकिंग में आप विंस्ट्रॉल के साथ भी इसको चला सकते हैं, क्लैन को T3 के साथ भी चला सकते हैं, क्लैन को सिंगल भी ही चला सकते हैं आप। कब इसको लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर आपका वेट लॉस का गोल है, जैसे मुझे एक कमेंट अभी रिसेंटली आया था जो मैंने अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ तो मैं एम्प्टी स्टमक क्लैन ले सकता हूँ। तो मैंने उसको यही रिप्लाई किया कि आप यस ले सकते हो, बट एम्प्टी स्टमक का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे उठे, आप फ्रेश हुए और आपने क्लैन खाई और आप वर्कआउट करने चले गए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ लाइट से आप फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो जिसके साथ आप क्लैन ले सकते हो, और उसके बाद आप आधे घंटे का गैप दे के वर्कआउट के लिए जा सकते हो। एक लास्ट जो कमेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है क्लैन के ब्रांड के ऊपर, कि मुझे जो कमेंट आते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है उसके बारे में बताओ, कौन सा ब्रांड है क्लैन का जिसको हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो ब्रांड की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं, बेसिकली सॉल्ट तो सेम ही होता है सारे क्लैन का, बट कुछ ब्रांड्स का ऐसा होता है कि वो मार्केट में फेमस होते हैं या उनका एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो बहुत चल रहे होते हैं। जैसे पहले बहुत टाइम पहले ड्रैगन फार्मा बहुत चल रहा था,
फिर म्योजन लैब्स आया, एले आया, एले का भी बहुत टाइम चल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके आप ले सकते हैं। सॉल्ट सबका सेम होता है, मेन जो हमें डिपेंड करता है वो ब्रांड से ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारे रिजल्ट्स का डिपेंड करता है। तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और खाने के बाद हम वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर डिपेंड करता है, रादर देन कि हम कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। जो मेरी एक नॉलेज है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं यही मानता हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा सॉल्ट ले रहे हैं उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, किस टाइम आप खा रहे हैं, क्या आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट पैटर्न आपका क्या है, वर्कआउट आपका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर आप वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट से पहले कब ले रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। प्लान के बारे में मेरी इतनी बात अगर आपसे हो रही है तो मैं जाते जाते आपको ये भी बता देता हूँ जो मैं कभी नहीं भूलता, कि क्लेन लेने से आपको एक आपको जिटरिंग बहुत होती है, आपके हाथ कांपते रहते हैं जब आप क्लेन लेते हो, और दूसरी बात क्रैम्प्स आपको पीछा नहीं छोड़ते जब भी आप क्लेन लेना शुरू करते हैं। तो जो भी लोग क्लेन को ले रहे हैं पहले, तो मैं यही कहूँगा कि वो ना लें अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप लेना चाहते ही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें ताकि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स ना पड़ें। सॉल्ट का इनटेक लिमिटेड रखें, बट इतना रखें कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स ना आए और आपका वर्कआउट भी अच्छा हो, वर्कआउट में इंटरप्शंस ना आए, और दूसरा अपनी बॉडी में वाटर का लेवल ठीक रखें ताकि ज़्यादा जितना ज़्यादा आप पानी का इनटेक ठीक रखेंगे, बॉडी में टेम्परेचर ठीक रखेंगे, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मेरी नई नई वीडियोज़ को लाइक करते रहें, और जो पुरानी वीडियोज़ आप देख चुके हैं उनको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो जल्दी ही मिलता हूँ फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।